मैं कहाँ से आया हूँ। मैं जब छोटा था मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे जैसे बड़ा हुआ दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी, उसमें से सबसे बड़ी वजह थी जब मैं 10th क्लास में था तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में, वो रातों रात ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए और घर में बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर रहने लग गया। सबको लगने लग गया पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं छोटा था, मैं क्या करता, 15-16 साल का था। अब ऐसे में दो चीज़ें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दूसरी फैमिलीज़ होती हैं जो और पास आ जाती हैं। हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज़ हुई। मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सब ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अब क्या था, मैं चाहता तो था कि कुछ हो, मानता क्या था, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लैंड इनफर्टाइल थी। उसके बाद हमने कई चीज़ें ट्राई करी, जैसे एक खजूर का बिज़नेस किया था हमने, मतलब खजूर के पान बनाती थी मेरी मदर और मैं जा जा करके वो जो डब्बे में पान होते थे खजूर के, वो जा करके लोगों को देता था कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक पर्चे बनवाए थे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे वो देते थे। वो काम इतना नहीं चला, वो बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक STD PCO की शॉप खोली, फोटो स्टेट की, STD की, PCO की। वहाँ पे मेरी मदर बैठती थी, कई बार मैं भी जा करके बैठता था वहाँ पे। और वहाँ पे जा करके तो मेरी लैंड और इनफर्टाइल हो गई क्योंकि वहाँ मैंने लोगों को देखा 25-25 पैसे के पीछे अपनी मदर से लड़ते हुए। कई बार अंदर से गुस्सा भी आता था लेकिन क्या करता, लाइफ यही है। तब मुझे लगा कि यार सच में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो STD PCO की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज़ के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया बताओ, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए, ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहाँ बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हज़ार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। और वो एक सेकंड लगता है, एक सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली, मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं क्या कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है, मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये दो वर्ड्स आए मेरी लाइफ में, जैसे ही अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूँ, अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊँगा, कंपनियाँ खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया है। अब ये एक बहुत मज़ेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा। वही हुआ, मैं पागल हो गया, अजीब अजीब बातें करने लग गया, मतलब अंदर से मुझे लगने लग गया बहुत आसान है, लैंड फर्टाइल हो गई। एक स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप डिस्कवर करना था कि क्या करना है। अब दो आवाजें थी, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज। मैं उस आदमी को जिसको मैंने स्टेज पे देखा था, उसको देख करके मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा बनना है,
वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा और मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे अंदर की कोई आवाज़ नहीं थी, सब बाहर की थी। तो मैं वहाँ 20-25 लोगों को लेकर के गया उस कंपनी में, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। और जिनको लेकर के जाता था वो मेरा और ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि भाई कहाँ लेके गया था तू, और कहते थे तेरा 2.5 लाख का चेक आएगा उसमें थोड़ा हमें भी दे दियो। तो मतलब मैं फेल हो गया बुरे तरीके से। दो वजह थी उस फेलियर की, एक ये कि वो मेरे अंदर की आवाज़ नहीं थी, दूसरी ये कि मैं शेयरिंग नहीं समझ पाया था। मैं वहाँ लोगों को उनके फ़ायदे के लिए नहीं लेके जा रहा था, अपने फ़ायदे के लिए लेके जा रहा था। मन में क्या था एक 18 साल के लड़के के, मुझे अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भाड़ में गए ये लोग तो मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाया। तो अब ये जो मैं फेल हुआ वो मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत? बुरी है, अच्छी कैसे हुई? उस टाइम के हिसाब से तो बुरी किस्मत है ना, लेकिन यही बेवकूफ़ी है, क्योंकि बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास तो वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से। राइट, और वो चीज़ मुझे समझ आ गई जब उस कंपनी में गया। उसका फ़ायदा ये हुआ, फाइनेंशियली मैं फेल हो गया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। ये सारी बातें समझ आने लग गई जो मुझे नहीं समझ आती थी, कुछ अलग थी वो बातें, तो वो दिमाग में घुस गई कि हाँ इसका मतलब फेलियर का भी फ़ायदा है। तो मैं उदास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने बाहर की आवाज़ सुनी, फिर से दोबारा वही गलती करी। मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने, फैमिली में, अब पता नहीं मजाक मजाक में या सच में, उन्होंने सबने चढ़ा दिया कि अरे यार संदीप तू तो बिल्कुल हीरो लगता है। और मैंने सोचा इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़ी होंगे। अब मैंने बाहर की सुनी, मैं चला गया हीरो बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए। मैंने कहा मैं बनूंगा इतने लोग कह रहे हैं तो। चला गया, जा करके देखा मेरे जैसे हीरो हजारों लाइन लगा के खड़े हैं और 2.5-2.5 रुपए की कचौड़ी खा रहे हैं। मैंने कहा भाई संदीप तेरा तो काम हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं कुछ तो करूँगा, कुछ तो करूँगा, आसान है आसान है आसान है आसान है आसान है। तब तक काम नहीं आएगा जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। वही हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत बोला, बहुत मन में आया कि नहीं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, अंदर से था ही नहीं मॉडलिंग करने का, हीरो बनने का, एक्टिंग का। गया जा करके ऑडिशन देने जाता था, ब्लैंक हो जाता था, भूल जाता था, अंदर से मज़ा ही नहीं आता था। कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ करी, कुछ ऐसी म्यूज़िक वीडियोज़ की अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। जब मेरा 5 साल का बेटा तंग कर रहा होता है घर में, हुड़दंग मचाया होता है उसने, तो मेरी वाइफ वो वीडियो को प्ले कर देती है और बेटा वहाँ टिक के बैठ जाता है और देख के हंसता रहता है, पापा ही क्या कर रहे हैं। फेल हो गया। मैं ये मानता हूं जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से, अपनी सक्सेस की वजह से नहीं। तो ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर के आने वाला था जो मुझे नहीं पता था, बाद में समझ आया। कैसे? मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स हैं, मज़ा आ गया। उस टाइम पर डिजिटल कैमराज नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मज़ा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज़ आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपये लिए और जा करके कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, करता रहा करता रहा करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज़ आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में जिन्होंने 1 साल का कोर्स, 2 साल का, 4 साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैंने क्या किया था, सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स, मतलब मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं था। बस अब वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा फेलियर मेरी सक्सेस कैसे बना। उन 1 लाख फोटोग्राफर्स में और मुझ में एक छोटा सा फर्क था, मैं मॉडलिंग में फेल हो चुका था, वो नहीं हुए थे।
मैंने जब मॉडलिंग के लिए धक्के खाए थे तो मुझे पता था कि 90% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई 70-80 फ्रॉड एजेंसीज की और 10-15 जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज की, और लोगों को बांटनी शुरू कर दी कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। और ये चीज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी एड निकाली न्यूज़पेपर में, फ्री पोर्टफोलियो, और लाइन लग गई, बहुत सारे लोग आ गए। मैंने लोगों को सच बोला, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, मैं कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, अभी नया नया कोर्स किया है मैंने यहाँ से 2 हफ्ते का। तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद रोल लेके आओ, खुद प्रोसेसिंग कराओ, और आपकी कॉस्ट आएगी, आप देख लो ये है, आपकी कॉस्ट आएगी 3,000 रुपये। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए ये सब कुछ करूं। अब अगर मैं किसी भी होलसेल मार्केट में जाता हूं तो वही फिल्म रोल जो आपको 150 रुपये का मिलता है, मुझे 50 रुपये का मिलता है, उसमें मुझे 1,500 रुपये बचेगा। तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ऐसे या ऐसे। उन्होंने कहा यार हमें क्या प्रॉब्लम है, आप ही कर लो ना, हमारा तो खर्चा उतना का उतना है। देखो मेरा उस टाइम भी यही मानना था, आज भी यही मानना है और हमेशा यही रहेगा कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बातें मत करो, सच बोल दो। और लोग आए, मुझे याद है मैंने 4,800 रुपये की अपनी वो पहली एड दी थी, जिसकी वजह से मेरे से करीबन 7 या 8 लोगों ने पोर्टफोलियो बनवाया और मेरी ज़िंदगी की जो पहली इनकम थी 15,000 से 20,000 रुपये की यहाँ से आई। दिस वाज़ द फर्स्ट सक्सेस। अब मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा फेलियर, एक लड़का आया मेरे पास, आकर के बोलता एक काम करते हैं मिलके ना, एक इवेंट कराते हैं बढ़िया सा, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, आजकल न्यू ईयर पार्टीज बहुत चल रही हैं, वो करते हैं। अब मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा यार इवेंट करने का तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा मैं करूँगा तेरे साथ, तू चिंता मत कर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता यार तू पैसे की टेंशन मत कर, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तू बस काम कर। मैंने कहा हो गई डील, एक महीने तक काम मैं करूँगा, पार्टी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, एंड में पैसा तेरा लगेगा, जो बचेगा 50-50। कहता कोई दिक्कत नहीं है, डन। उसने 15,000 रुपये मुझे दिए, मैंने ले जा करके एज इट इज़ वो 15,000 रुपये बैंकेट हॉल वाले को पकड़ा दिए, डीजे को पैसे दिए, केटरर को पैसे दिए, वो सब लोग मुझे जानते थे। जा करके खुद प्रिंटर को थोड़े से एडवांस दिया, वो प्रिंट्स बनवाए, स्टिकर्स, पोस्टर्स, जा करके यूनिवर्सिटी में लगाए, बैनर्स लगाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उससे 3 दिन पहले वो जब इवेंट था, उस भाई ने मुझे आकर के बोला, कहता कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को देने हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जानते हैं, मुझे आकर के पकड़ लेंगे। कहते अब देख ले फिर, तू मत कर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज करके पैसे अपने दोस्तों से, यहाँ से किसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000, 3,000, 1,000 इकट्ठे करके सबको पैसे दे दिए। इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 31 दिसंबर 1999 की रात थी, इस इवेंट का नाम था डिक्स 2000, मतलब सन 2000 का नया साल शुरू होने वाला था। एक बैग में सारे पैसे थे, मैं उसके पास गया, मैंने जा करके बोला, मैंने कहा चल भाई अब ऐसा करते हैं, हम हिसाब कर लेते हैं, तूने जो पैसा लगाया मैंने लगाया उसको हटा के और फिर आधा आधा कर लेते हैं। कहता कौन सा हिसाब, कहता कौन से पैसे, और वो गाड़ी में बैठा अपने दोस्तों के साथ में निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैंने ज़िंदगी में कभी उसको दोबारा नहीं देखा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, कोई एलियन नहीं होता, तो वो क्या करता ऐसी सिचुएशन में, रोने लग जाता, परेशान हो जाता। मैं खुश हो गया क्योंकि अंदर बैठा हुआ था कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो खराब एक्सपीरियंसेस से